दिन के उजाले में जिनके पांव पखारे जाते, उनकी असमत की बोली रात के अंधेरे में लगाई जाती। देवी बनाकर जिन्हें कैमरे के सामने पूजा जाता, अकेले में उन्हीं की आबरू का 1500 रुपए में सौदा किया जाता। 1500 रुपए में असमत का सौदा, सौदा उस बेपनाह दर्द का जो उज्जैन में एक मासूम को मिला, सौदा उन आंसुओं का जिन्होंने रोते रोते पलकों पर दम तोड़ दिया, सौदा उन ख्वाबों का जो खिलने से पहले बिखर गए, जब सपनों का सौदा केवल 1500 रुपए में हुआ। याद कीजिए महाकाल नगरी, वो दिल दहला देने वाली वारदात। 12 साल की मासूम के साथ महाकाल नगरी में हैवानियत की हर हद पार कर चुकी वो जघन्य दुष्कर्म। 8 किलोमीटर तक गली कूचों में रक्षा की गुहार लगाती रही वो मासूम। 2.5 घंटे तक आसमां के चांद सितारे धरती के दुष्कर्म पर आंसू बहाते रहे, जब तक एक रहनुमा ने एक वस्त्र से उसका तन नहीं ढक दिया, जब तक रात अपने स्याह अंधेरे से उसकी असमत को ओट दिए रही थी। उस मासूम को इस शिवराज सरकार ने मदद के तौर पर 1500 रुपए दिए हैं। 1500 रुपए, शर्म कीजिए शिवराज जी, शर्म से डूब मरो भाजपाइयों। बेटी बचाओ और लाडली योजना के खोखले नारे ने आज मध्य प्रदेश का सिर शर्म से झुका दिया है। मुंह में महिला सम्मान और बगल में अपमान, यही तो है भाजपा की पहचान। भाजपा राज में सभ्यता, मूल्य और मर्यादाएं सब ढह रही हैं, ध्वस्त हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश की हर माँ, हर बहन, हर बिटिया अपने वोट की चोट से इसका जवाब देगी। बेटी बचाओ और लाडली योजना के खोखले वादे और बीजेपी वालों के जहरीले इरादे, यही है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। इन पर मैं क्या कहूं, शर्म वाली बात पर गालिब से मुआफी के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, किस मुंह से बेटियों के पांव पखारते हो मामा, शर्मसार हैं सब, शर्म मगर तुमको आती नहीं।